चलिए सरकार गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू आचार्य क्लासेस आप सभी का वेलकम है आचार्य आचार्य क्लासेस एंड टीचर्स में भी आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से कैसे आप सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे एक बार आप सभी बच्चे फटाफट फटाफट लाइव आ जाए उससे पहले मैं क्लासेस को शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी आ सके बढ़िया और बेहतर तरीके से तो आप सभी तैयार हो जाए बेटा शाबाश बच्चे बेहद बहुत बढ़िया बात है ये अपनी एंटोनिम्स की तीसरे नंबर की क्लास है हमने लगभग हंड्रेड वर्ड्स के आसपास हमने टोटल वर्ड्स देख लिए हैं वैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे पर उससे पहले चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से सभी लाइव आ जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं बेटा बहुत बढ़िया बात है लाइव क्लास वोकेबलरी बहुत अच्छी बात है यहाँ से ये यह लीजिए ये यहाँ से अपनी क्लास शेयर होती हुई ताकि कुछ बच्चे भी आ जाए जिनको यूट्यूब पे ढूंढना नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो इसलिए बेटा भेजना जरूरी होता है ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो आप सभी आगे होंगे स्टार्ट कर दें बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश। संतोष कुमार जी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग चलिए ये लीजिए कमेंट आपके बड़े हो चुके हैं कोई टेंशन नहीं है हाँ संतोष बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बात है तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुन ले आज ग्रेड सेकंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास होगी ध्यान रखें इस बात के मध्य प्रदेश ग्रेड टू और राजस्थान आरपीएससी ग्रेड टू दोनों के अंदर ये सेम टॉपिक है तो इनकी प्रैक्टिस क्लास होगी तो मैं आपको एक ही चैनल पर दे दूंगा ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपके पास आपके पास ये क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज अभी ग्यारह बजे ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो देखिए आज के इन वर्ड्स में पहला वर्ड अपने पास आता है ये yeah. देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना ये लिखा बेटा अबाउंड क्या लिखा हुआ ए बी यू एन डी एन सी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अधिकता अधिकता या होता है इसका मतलब ज्यादा या होता है इसका मतलब अधिक या होता है इसका मतलब प्रचुर 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 तो कहीं ना कहीं ज्यादा को इंडिकेट करता है ये किसको इंडिकेट करता है ज़्यादा को इंडिकेट करता है या फिर मैं ज्यादा से एक बात और ध्यान रखना है ज्यादा से मतलब होता है बेटा बहुत अधिक ज्यादा होना अधिकता यह चीज़ है अब इसकी बात करता है सिनोनिम्स की सेनोनिम्स का मतलब क्या होता है प्राइवाचिंग मतलब यह हुआ कि ऐसे वर्ड्स को ढूंढना जिनका मतलब भी क्या हो ज्यादा हो तो देखिए प्लेंटी पहला वर्ड आया पी एल ई एन वाई प्लेंटी प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा वही बात है फिर देखो प्रोफ्यूजन प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अधिकता अधिक के अधिक और होता है सरप्लस सरप्लस का मतलब भी होता है ज्यादा इन वर्ड्स को आप मुझे कमेंट करके लिख कर भेजो यार तुम ऐसे कमेंट किया करो पी एल ई एन टी वाई प्लेंटी टाइप करके लिखो इससे तुम्हारा दिमाग चलेगा ठीक है फिर देखो यहां पर प्रोफ्यूज़न क्या लिखा हुआ है प्रोफ्यूज़न इसका मतलब भी क्या होता है ज़्यादा फिर यहां पर देखिए सरप्लस सरप्लस का मतलब भी क्या होता है ज़्यादा अधिकता प्रचुर ऐसे लिखकर सर पेड कोर्स लेना पड़ेगा या नहीं कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना पड़ेगा एमपी वालों के लिए कंप्लीट फ्री uh, है ग्रेड सेकंड का जो मैं आपको करवा रहा हूं ठीक है कोई पेड की नीड नहीं है आप आराम से पढ़ें बस एम मध्य प्रदेश वाले एक बात का ध्यान रखें कि मैं राजस्थान से हूं मध्य प्रदेश नया है मेरे लिए तो मेरे वीडियोज़ को आप अपने कॉन्टेक्ट में मध्य प्रदेश की जितने भी स्टूडेंट्स है वो उनके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ग्रुप में यहां शेयर कर दें इतना काफी है मेरे लिए इस इतने में मैं आपके लिए प्रचुरता से मन से काम कर लूंगा बात समझ में आ गई भाई इसके बाद अब हम बात करें आगे अब इसके अपोजिट की बात करना है तो देखो जब ज्यादा इसका मतलब था तो इसका अपोजिट क्या होगा कम होगा ज्यादा तो अपोजिट क्या होता है कम होता है कमी होता है, कम है आवश्यकता होना होता है आवश्यकता होने का मतलब क्या होता है मुझे आवश्यकता कब होगी जब मेरे पास कोई चीज कम होगी थैंक यू सो मच अनु शर्मा थैंक यू अब यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है एस सी ए आर सी आई टी वाई स्केर मतलब क्या होता है इसका मतलब कमी होता है स्कैर यानी कमी होता है किसी ना किसी चीज की क्या होती है कमी होती है जैसे मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं स्केर बोल सकता हूं कि मेरे पास कमी है तो यह वर्ड बताता है कमी को फिर बता देखो डिफिशियंसी डेफिशियसी डेफिशियसी का मतलब होता है कमी भी भारत के अंदर लोगों को इंग्लिश क्यों नहीं आ पाई इसीलिए नहीं नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पर डेफिशियसी थी और डेफिशियसी किसकी थी डेफिशियसी थी आपकी कमी की कौन सी चीज़ की कमी किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो उसे हम ये बात बोलते हैं इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक और वर्ड निकल के आया है एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करें हेलो हाँ जी भाई चले बेटा बहुत बढ़िया बात है अब यहां पर देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आई एम फ्रॉम मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली वेलकम है डियर आपका स्केयर सिटी कमी हो गया डेफिशियंसी डेफिशियंसी का मतलब भी कमी होता है पता है ना आपको इसके बाद फिर देखिए बेटा डार्थ डी ई ए आर टी एच डार्थ डर्थ का मतलब भी क्या हो गया बेटा कमी हो गया फिर देखो लैक हम कहते ना यार lack of confidence है यानी कॉन्फिडेंस की कमी है lack of money है यानी मनी की कमी है want want का मतलब भी क्या होता है कमी होता है अब आप कहोगे सर want का मतलब तो चाहना होता है बिल्कुल सही बात है want want का मतलब कमी होता है want of want of money ध्यान रखना है want मतलब चाहना तो है वो वर्ब है want यानी कमी होता है किसी भी चीज की कमी का होना शॉर्टेज आप तो अच्छे से जानते हो शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है कमी होता है है ना फिर यहां पर देखिए नीड नीड का मतलब क्या होता है आवश्यकता होता है तुम्हें आवश्यकता कब होती है किसी चीज की भाई आवश्यकता तुम्हें जब भी तो होगी ना जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी होगी यहां पर देखिए लेक के साथ एल ए सी के लेक ऑफ आता है और वॉन्ट ऑफ आता है कभी भी अगर प्रेपोजिशन पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखें लेक के साथ ऑफ प्रेपरेशन आता है वोट के साथ भी ऑफ प्रेपरेशन आता है क्लियर हो गई बात यहां तक तो ये आपका abundance था, जिसके synonyms और antonyms हमने देखने की कोशिश करी है इसके बाद यहां पर फिर देखिए ये लिखा हुआ है अकस्टम्ड इसका मतलब क्या होता है बेटा इसका मतलब होता है देखो सबसे पहले तो अकस्टम्ड इसका मतलब होता है आदि होना और इसके बाद आता है टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है प्रेपरेशन कौन सी आती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आदि होना जैसे कोई दारू का आदि हो जाता है जिसको दारू चाहिए ही चाहिए कोई नशे का आदि हो जाता है जिसको नशा चाहिए ही चाहिए तो वो सारी की सारी चीज़ें किस पे आती है बेटा ये होता है जिसका मतलब आदि होना इसकी आदत होना तो देखो इसके सेनोनिम्स की अगर मैं बात करूं अगर आदि होना है या फिर मान लीजिए हम कहें कि उसकी हैबिट में ये चीज़ है या फिर हम कहें कि ये उसकी आदत है ये उसकी हैबिचुअल हो गई ट्रेडिशनल हो गई परंपरा हो गई तो इस टाइप की कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है बहुत बढ़िया बात है यहाँ से धीरे धीरे सब काम ठीक हो जाएगा बेटा कोई बोलने का आदि होता है बिल्कुल सही बात है कोई बोलने का आदि होता है एकदम सही बात है बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहाँ से एक बार देखिए सुनीता चौधरी सर सेकंड ग्रेड क्लास कौन से पर मिलेगी बेटा सारी की देखो मेरी बात सुनो शांति से आप थोड़ा से कंफ्यूज हो रहे हो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले एमपी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात ध्यान सुने एम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं अभी इस वाक्यप की क्लास में वो ध्यान दें आपके लिए ग्रेड सेकंड का कोर्स बिल्कुल फ्री है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में है अब मैं कोर्स सेल भी करूंगा आपको पेड में भी दूंगा तो मतलब नहीं निकलेगा पैसा वेस्ट जाएगा अपना पैसा नहीं वेस्ट वेस भेजना है तीन चार महीने होते एग्जाम में तो हम ये कर सकते थे लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में आप आराम से पढ़ें फ्री में पढ़ें मस्त तरीके से पढ़ें लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस ये देखिए कि मैं राजस्थान से हूँ एम मेरे लिए बिल्कुल नया होगा तो मैं चाहता हूँ कि एम के अंदर आप मेरे वीडियोज़ को अपने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर अपने कॉन्टेक्ट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लोगों से कह दें और चैनल का सपोर्ट करें बस इतने में मैं आपसे काम कर लूँगा ठीक है और अभी ग्यारह बजे क्लास होगी आज आज ग्यारह बजे ग्रामर की क्लास होगी जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से किसके नाम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से आज ग्यारह बजे होगी अभी क्लास यहाँ पे देखिए अकोस्टोम का मतलब हो गया आदि होना फिर यहां से एक नया वर्ड बनाया बेटा ना एक नया वर्ड बनाए यहाँ पर अडिक्ट क्या वर्ड बनाया बेटा अडिक्ट अडिक्ट का मतलब अडिक्ट का मतलब भी क्या होता है आदि होना हम कहते ना यार वो तो नशे का अडिक्ट है अडिक्ट है यानी कि बहुत ज्यादा आदि है तो देखो आदि किसे कहते हैं हैंबिचुअल होना अगर आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल होगे तो ही तो आपको आदत पड़ेगी ना रेगुलर अगर आप किसी भी चीज़ का काम रेगुलर करेंगे तभी तो वो रेगुलर काम होगा इसके बाद यूजुअल यूजुअल होता है बेटा सामान्य सामान्य का मतलब सामान्य तो ऐसा होता ही होता है मतलब बार 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 ऐसा होता है तो यूजल यहां पर है कस्टमरी कस्टमरी कस्टम से ही बना है परंपरा कस्टम का मतलब क्या होता है परंपरा बना हमें अपनी कस्टम्स को नहीं तोड़ना चाहिए तो वो कस्टम जो कस्टमरी यानी परंपरा हो गया और फिर कन्वेंशनल कन्वेंशनल का है वो परंपरागत पर, सॉरी पररागत परंपरागत तो वही चीज़ है परंपरागत भी वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है वही तो हैबिट है जो रेगुलर होता है तो वही सारा क्या होता है बेटा हैबिट होता है इनमें से जो हार्ड वर्ड होता है उनको एक बार आप लिख कर मुझे सेंड करो बेटा ऐसे काम चलेगा नहीं तुम केवल मजे ले रहे हो नहीं लिखो मुझे टाइप करके थोड़ी मेहनत करो बोल बोल कर टाइप करो जो पड़ोसन है वो सुन जानी चाहिए कि आप तो बच्चा पढ़ रहा है क्या बात है है ना लिखो टाइप करके मुझे भेजो कि सी ओ एन वीई एन टी आई ओ एन एल कन्वेंशनल कस्टमरी सी यू एस टी ओ एम एर वाई लिख कर भेजो यूजल अब यहां पे देखो हो गया अब हम बात करते हैं बेटा इसके एंटोनिम्स की बेटा एंटोनिम्स क्या होता है जो प्रायवाची जो होता है प्रायवा सॉरी विलोम शब्द जो होता है जिनको हम अपोजिट वर्ड बोल देते हैं तो ये अपोजिट वर्ड एक तरीके से क्या होता है अपोजिट वर्ड एक तरीके से यही होता है कि ये इसका अपोजिट वर्ड है विलोम शब्द है ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर तो वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे अब देखिए यहाँ पर ये देखो इनएक्सपीरियंस्ड क्या लिखा हुआ है इनएक्सपीरियंस्ड लिखा हुआ है इसका मतलब अगर एक्सपीरियंस इंसान को होता है तो एक्सपीरियंस कब होता है जब वो चीज बार 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 करता है तो एक्सपीरियंस हो जाता है इनएक्सपीरियंस्ड ये कब होता है जिसको अनुभवहीन जिस काम को करता ही नहीं है तो फिर करता ही नहीं है इसका मतलब यही हुआ इसके बाद देखो स्पेशल देखो रेगुलर अगर कोई चीज होती है तो रेगुलर होती है लेकिन स्पेशल में कभी कभार होती है तो रेगुलर यहां आता तो देखो स्पेशल यहां है क्योंकि स्पेशल रोज रोज नहीं हो सकता ना भाई आज तो हमारे घर में स्पेशल खाना बनेगा अब स्पेशल रोज रोज थोड़ी ना बनता है किसी एक दिन स्पेशल बनता है रोज रोज स्पेशल नहीं बनता है तो स्पेशल विशेष यानी पर्टिकुलर चीज की बात करेगा और रेगुलर एक फ्रिक्वेंटली बात करेगा फ्रिक्वेंसी में बात करेगा या रेगुलर ऐसा होता है ऐसा देखा गया है बिल्कुल सही है फिर देखो रेयर रेयर का मतलब होता है दुर्लभ हम कहते हैं रेयर प्राणी है दुर्लभ 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 ये हिंदी हो सकता है वो गलत हो तुम देख लेना मैं बोल सही रहा हूं लिखना लिखने का पता नहीं है दुर्लभ का मतलब क्या होता है जो बिल्कुल रेयर है मतलब जो कभी कभार ऐसा होता है उसे कहते हैं हम रेयर और यहाँ पे देखो अनयूज सॉरी न्यू।, न्यू न्यू का मतलब क्या होता है नया कोई भी चीज़ पुरानी है पुरानी है तो वो ज़्यादा दिनों तक की है लेकिन कोई भी चीज़ नई है तो अब तो वो बिल्कुल नई बनेगी तो यहाँ से न्यू हो गया अनयूज अनयूज का मतलब होता है जिसका यूज़ नहीं किया गया है उसे हम अनयूज बोलते हैं जिसका यूज नहीं किया गया है उसे क्या बोलते हैं हम अनयूज बोलते हैं और अनयूजल अनयूजअल का मतलब होता है असामान्य क्या होता है बेटा असामान्य होता है तो यूज जिसका यूज नहीं किया गया है अन असामान्य सामान्य हो गया न्यू रेयर स्पेशल करते हैं ऐसे हजार दो हजार वर्ड हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से कल से हम वर्ड्स ज्यादा लेना शुरू कर देंगे कल से हंड्रेड वर्ड्स के आसपास हम लेना शुरू कर देंगे तो ये आपका आ, का हो गया इसके साथ है टू प्रेपरेशन फिक्स आती है फिक्सड प्रेपरेशन ठीक है इसी के साथ बेटा यहां पर देखिए ये तीसरा वर्ड है यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है बहुत बढ़िया बात है शाबाश बच्चे चलो जी चलो शाबाश हम्म दूसरी बात आपको नीचे एक नंबर प्लेट दिखाई दे रही होगी ये वाला उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है अगर आप ग्रुप में एड है मेरे पास तो ठीक है अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें यह कह कहकर कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दें अपने एग्जाम का नाम जरूर सेंड कर दें कि सर मैं एम इसकी तैयारी कर रहा हूं मुझे ऐड कर दो सर मैं राजस्थान में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं मुझे ग्रुप में ऐड कर दो तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दे एग्ज़ाम का नाम लिख कर आपको ऐड कर दिया जाएगा इसके बाद देखिए बेटा यहां पर एक और वर्ड मिला है अपनॉलेज इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना क्या होता है इसका मतलब एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना अगर यहां पर मैं तो इसका मीनिंग क्या होता है स्वीकार करना होता है एक्सेप्ट क्योंकि इसको तो करना, स्वीकार करना या मानना मानना भी होता है मानना कोई यह बात बोलते हैं तो देखो एडमिट करना स्वीकार करना एक्सेप्ट करना फिर यहां पर देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया फिर याद है एडमिट करना आप किसी भी चीज को एडमिट कर रहे हो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कंसेंट 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 का मतलब भी होता है स्वीकार करना बेटा कंसेंट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना होता है प्रोफेस प्रोफेस का मतलब भी क्या होता है एक्सेप्ट करना वही स्वीकार करना होता है अलाउ किसी भी चीज को हम अलाउ करते हैं ठीक है भाई तुम्हें अलाउ किया जाता है यानी अलाउ किया जाता है यानी सहमति या सॉरी अलाउ को हिंदी में क्या बोलेंगे एक बार करेक्ट वर्ड बता, 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 इसका मतलब सहमति हो गया कंसेंट का मतलब सहमति हो गया तो वही बात है सहमति स्वीकार करना अलाउ अलाउ को परमिशन देना होता है अलाउ करना अब इसको हिंदी में बताए फटाफट फटाफट मुझे एक्चुअल बड़ी याद नहीं आ रहा किसी को हम अलाउ करते हैं किसी चीज के लिए कि तुम्हें परमिशन दी जाती है अनुमति देना बिल्कुल सही बात है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा अनुमति देना क्या हो गया अनुमति देना इसका मतलब हो गया इसके बाद कंसीड एक्सेप्ट कर लेना स्वीकारना देखो सी ओ एन सी ओ एन सी ई डी कंसीड यानी वही क्या हो गया स्वीकार करना या फिर क्या हो गया एक्सेप्ट करना कन्फ्यूज करना कन्फ्यूज भी वह होता है जैसे मान लीजिए हमने कुछ कांड कर दिया कुछ गलती कर दी अब हमें कन्फ्यूज करना पड़ेगा कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना एक्सेप्ट करना

कॉन्ट्रेडिक्ट कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास क्या होता है विरोधाभास और विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसके अंदर आपकी सहमति नहीं है कोई भी चीज है उसके अंदर आपकी सहमति नहीं है तभी तो आप कॉन्ट्रेडिक्ट करोगे आपके विचारों में कॉन्ट्रेक्शन है आपके विचारों में विरोधाभास है तो आपके विचारों में कोई विरोध हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है इसके बाद डिसअलाउ करना अनुमति नहीं देना अगर आप डिस देखो यहां पे अलाउ था यहां देखिए डिसअलाउ हो गया है ना तो डिसअलाउ का मतलब होता है कि आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं उसकी परमिशन जो है उसको आप रोक रहे हैं इसके बाद डिनाई करना डिनाई करना वही क्या होता है मना करना इसका मतलब भी क्या होता है मना करना जैसे रिफ्यूज भी होता है रिफ्यूज भी होता है डेक्लाइन भी होता है डेक्लाइन भी होता है तो रिफ्यूज करना डेक्लाइन करना या डिनाई करना मना करना या आ गया देखो रिफ्यूज आ गया डिस्क्लेम यहां पर एक और वर्ड आता है डिस्क्लेम करना डिस्क्लेम का मतलब भी होता है किसी भी चीज के लिए डिस्क्लेम करना यानी कि मना कर देना कि भाई यह हमारी बस की बात नहीं है यह मना कर देना भी क्या होता है आपका डिस्क्लेम होता है बात समझ में आ गई यहां पर बहुत बढ़िया बात है बेहतरीन शाबाश तो देखिए आज यहां पर हमने क्या किया है हमने यहां पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन वर्ड्स तो हमने यहां पर डील किया है एक चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह वर्ड हमने यहां डील किया है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व बारह यहाँ पर बारह बारह चौबीस छत्तीस और एक पैंतीस तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ अगर हम बात करें तो टोटल हमने आज थर्टी फाइव वर्ड्स देखे हैं ठीक है हंड्रेड वर्ड्स के ऊपर हो चुके हैं टोटल हम कल से क्या करेंगे हम वर्ड्स ज़्यादा लेंगे दो तीन दिन हमने देख लिया कि भाई ठीक है मामला सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है अब हम वर्ड्स ज़्यादा ले लेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके बोल दे कि सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दें ग्यारह बजे याद रखें अभी आज ग्यारह एम ग्रेड सेकंड इंग्लिश से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट होगा या क्लास होगी टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है आप जानते होंगे ग्रेड सेकंड का चाहे वो आर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या फिर वो कहीं से भी एम जो एग्जाम चल रहा है ग्रेड सेकेंड उसके स्टूडेंट्स हो दोनों के लिए क्लास होगी जो ग्रुप में है उसके पास तो क्लास में भेज दूंगा जो ग्रुप में नहीं है उनके पास जैसे आज वोकेब की क्लास हुई थी ना ये वाली इसका नोटिफिकेशन आया तो ऐसे आ जाएगा या फिर उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा थैंक यू सो मच बाय बाय गाइस मिलते हैं ग्यारह बजे शुक्रिया